नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। गोरखपुर में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे पर हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण कर निरीक्षण किया है। बता दें कि आगामी खिचड़ी मेले को लेकर निरीक्षण किया था। सीएम ने वहीं पर मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत भी की। जानकारी के मुताबिक सीएम 4 दिन के दौरे पर हैं और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, सीएम योगी गोरखपुर के 4 दिन के दौरे पर हैं, क्या कुछ उनके कार्यक्रम होने हैं? जनपद यानी कि जहाँ से वो आते हैं गोरखपुर गए हुए हैं, 4 दिनों का दौरा है। इन 4 दिनों में बात करें तो कल दौरे का पहला दिन था जहाँ वो वाराणसी से सीधे गोरखपुर गए। उसके बाद आपको बताएं कि दिग्विजयनाथ पार्क में निषाद पार्टी की आयोजित सम्मेलन में सम्मिलित हुए और साफ तौर से कहीं ना कहीं देखे तो जो गोरखपुर मत था और निषाद समाज का वहाँ का एक गठजोड़ है उसकी तस्वीर पेश की। साथ ही आपको बताएं कि उसके ठीक बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर रात अपने आवास पहुंचे, आवास में पहुंचकर और वहां बात उससे ठीक पहले वो निषाद पार्टी की रैली खत्म करके और गोरखपुर महोत्सव का समापन समारोह में शिरकत की। इसमें बात की जाए तो गोरखपुर के सांसद रवि किशन साथ ही साथ संगठन के कई मंत्री कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके ठीक बाद आपको बताए तो आज सुबह को गोरखपुर के अंदर में गोरखनाथ मंदिर है जो कि एक देश भर में राम भगवान के लिए प्रसिद्ध मंदिर है और माना जाता है कि सभी मंदिरों का राम मंदिरों का संचालन गोरखनाथ से होता है। और वहाँ के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है खिचड़ी का त्योहार यानी कि मकर संक्रांति का त्योहार, तो इसको पूरे भव्य तरीके से गोरखपुर मंदिर के अंदर में मनाया जाता है। कल मकर संक्रांति है, उससे पहले जो सूबे के मुख्यमंत्री है साथ ही साथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ अपने गोरखनाथ मंदिर पहुंच कर और तैयारियों का जायजा लिए। साथ ही साथ आपको बताएं कि यहाँ योगी आदित्यनाथ की तरफ से यहाँ श्रद्धालुओं से भी बातचीत की गई है। आमतौर पर गोरखपुर के अंदर में लोग योगी आदित्यनाथ को महाराज जी के नाम से संबोधित करते हैं, वो लोगों से मिले, उनके हालचाल जाने, साथ ही साथ मेले में दुकान लगा रहे श्रद्धालुओं से भी मिलकर उनके भी हालचाल जाने, साथ ही साथ दुकानदारों के भी हालचाल जाने। कल आपको बता दें कि भव्य तरीके से गोरखपुर मंदिर के अंदर में जो की वहाँ के पीठाधीश्वर है गोरखपुर मंदिर के महाराज है योगी आदित्यनाथ, उनके पास सूबे के मुख्यमंत्री के अलावा गोरखपुर मंदिर का भी दायित्व है, पूजा अर्चना का हर एक जिम्मेदारी जो है वो सूबे के मुख्यमंत्री उठाते हैं और मुख्यमंत्री से पहले वो वहाँ मठाधीश्वर हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम दायित्वों का पालन करते हुए जो उनका पहला दायित्व है उसको मुख्यमंत्री पूरी तरह से पालन करते हुए नजर आएंगे। वही आपको बताए कि आज रात की रात आज पूजा अर्चना रहेगी, कल पूरे भव्य तरीके से मकर संक्रांति मनाई जाएगी। उसके ठीक बाद आस पड़ोस के लोगों से जो मुख्यमंत्री जब वहां जाते हैं तो फरियाद भी उनको अपनी फरियाद लेकर आते हैं। बात करें तो जनता दरबार एक लखनऊ में उनके द्वारा लगा जाता है, दूसरा मिनी कैपिटल यानी कि उत्तर प्रदेश का आज के समय मिनी कैपिटल कहे जाने वाले गोरखपुर में लगता है। तो देखने में बात यह होगी कि मुख्यमंत्री यहाँ फरियादियों को सुनते हैं, तमाम क्षेत्रीय लोगों को सुनते हैं और कल मकर संक्रांति की तैयारियों को लेकर जायजा लिया है। कल मकर संक्रांति बड़े ही धूमधाम के साथ यहाँ मनाई जाएगी। विवांशु, सीएम ने आगामी खिचड़ी मेले को लेकर निरीक्षण किया है, तो कैसी तैयारी देखने को मिल रही है, लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? अगर बात की जाए तो गोरखपुर के अंदर में गोरखनाथ मंदिर में पूरे भव्य तरीके से सजावट की गई है। बाबा गोरखनाथ के मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है, सफाई की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ मंदिर के अंदर में दूर दराज से लोग खिचड़ी चढ़ाने आते हैं, खिचड़ का त्योहार होता है, खिचड़ी चढ़ाने आते हैं वहाँ, तो इसके लिए कुछ और व्यवस्था न फैले जिसके लिए पूरी वहाँ फेंसिंग बनाई गई है, बैरिकेड बनाई गई है। सब चीजों का मुख्यमंत्री और साथ ही साथ गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ इस चीज का पूरा जायजा लिए हैं और कल त्योहार को पूरी भव्यता के साथ वहां मनाया जाएगा। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए।
जालंधर से कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी का निधन हो गया है। वह भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल हुए थे और अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद आनंद फानन में उन्हें फगवाड़ा के विर्क हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। बता दें कि जालंधर से सांसद संतोख सिंह चौधरी की हालत बिगड़ते ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को रोक दिया और उन्हें तुरंत एम्बुलेंस के जरिए फगवाड़ा के विर्क अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, जालंधर सांसद संतोख सिंह चौधरी का निधन हो गया है, कैसे उनकी तबीयत बिगड़ी, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? यात्रा देश के विभिन्न राज्यों से होकर अब पंजाब पहुंच चुकी है। बात की जाए तो आज सुबह 7 बजे राहुल गांधी अपनी पदयात्रा की शुरुआत में तमाम पंजाब के नेता शिरकत किए। बात की जाए पंजाब के जालंधर के सांसद चौधरी संतोख सिंह, आज सुबह उन्हें कहीं ना कहीं सीने में दर्द हुई, साथ ही साथ उनके सांस फूलने के बाद राहुल गांधी के साथ यात्रा में पदयात्रा में उनके ठीक बगल में चल रहे थे। उस वक्त उन्हें कहीं ना कहीं देखे तो जहां तक सूचना मिल रही है कि उनके सीने में दर्द हुआ और सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में, जो नजदीक के अस्पताल था वहां दाखिल कराया गया और डॉक्टरों ने वहां पहुंचते हुए उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसको लेकर भारत जोड़ो यात्रा को रोका गया और उसके ठीक बाद एक शोक सभा रखी गई। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पंजाब के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री और साथ ही साथ भगवंत मान, और वही बात की जाए तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व कांग्रेसी नेता अमरिंदर सिंह की तरफ से भी शोक संवेदनाएं आ रही है और कहा जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक से, जो पैनिक अटैक आया उन्हें, इसमें से उनकी मृत्यु हुई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा अब अपने जो उनका लक्ष्य है कश्मीर में खत्म करना, उससे ठीक एक कदम पीछे थी। कहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता संतोख सिंह के निधन से कहीं ना कहीं देखे तो तमाम जो कांग्रेसी है वो पूरी तरह से अपने उनकी विदाई को लेकर कहीं ना कहीं गमगीन दिखे और ऐसे समय में उनको छोड़ जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए क्षति है। जरूरी आपको बताया कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो छवि है उसमें बदलाव देखने को मिला और माना यह जा रहा है कि कहा जाता है राजनीतिक पंडितों की तरफ से कि कांग्रेस पार्टी एक अभी अगर देखे भारतीय लोकतंत्र में तो सबसे बड़ा जहाज है और वो जहाज अगर डूब रहा है तो उसे ऊपर लाने का काम भारत जोड़ो यात्रा करते हुए नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा में कहीं ना कहीं आज एक दुखदायी घटना आई है, मगर निश्चित तौर से कांग्रेस को इससे कहीं ना कहीं इसकी छवि सुधरते हुए देखने को मिली। विवांशु, अगर मैं संतोख सिंह चौधरी की बात करूं तो इनका राजनीतिक सफर कैसा रहा? जी, अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी में आपने देखा कि चरणजीत सिंह चन्नी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो बगावत शुरू देखने को मिला। कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर तमाम ऐसे नेता कांग्रेस का जो हाथ था उसको छोड़ते हुए नजर आए, जिसका नतीजा था कि अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए तो पंजाब के अंदर में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। मगर ये अगर बात की जाए तो संतोष सिंह की, तो संतोष सिंह एक पुराने कांग्रेसी नेता थे और कांग्रेस से उनका लंबे अरसे से रिश्ता रहा है। बात की जाए तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय से वो कांग्रेस नेता है, तो कहीं ना कहीं देखे तो कांग्रेस पार्टी की मजबूत आज कहीं ना कहीं जुटते हुए नजर आई है और उनकी जगह को कांग्रेस पार्टी के अंदर में भरना नामुमकिन सा है। जी विवांशु, संतोख सिंह चौधरी का निधन हो गया है, अब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, कहाँ ये अंतिम संस्कार किया जाएगा, कौन दिग्गज शामिल हो सकते हैं? जी, आपको बताएं कि 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का समापन है जम्मू कश्मीर के अंदर में, तो बात की जाए तो आज उनके अंतिम दर्शन के लिए तमाम वो कांग्रेस की जो लोकल यूनिट है, साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा के तो तमाम नेता पंजाब के अंदर में पहुंचे हुए हैं, तो उनके पैतृक आवास पर उनका अंतिम संस्कार होगा। बात की जाए तो जहां तक ये सुर्खियों की अगर देखे तो ये दूसरी मौत है भारत जोड़ो यात्रा में। भारत जोड़ो यात्रा में इससे पहले भी जब साउथ इंडिया में थी एक लोग की मृत्यु हुई थी, अब ये दूसरी मौत है। तो माना ये जा रहा है कि कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता उनकी अंतिम विदाई में उन्हें भावपूर्वक श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए आज कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का एक तरफ राहुल गांधी का बड़े बल रहा हुआ है, मगर
संतोष सिंह के जाने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आज नम आंखों से निभा रही है और उनके लिए बेहद बड़ी क्षति है उनका जाना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर में कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाश रही है। अगर देखें तो महज कितने साल कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार थी, 5 सालों की सरकार चली, कैप्टन अमरिंदर सिंह साथ ही साथ चरणजीत सिंह चन्नी वहां के मुख्यमंत्री रहे। मगर बात करें तो 2024 चुनाव के अंदर में जहां भारतीय जनता पार्टी वहां एक भी सीट पर निकाली, आम आदमी पार्टी वहां एक मजबूत वहां पे समर्थन जुटा कर वहां सत्ता में आई, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि नेताओं के दरम दे दरमदार था कि 2024 में ये कांग्रेस पार्टी को अच्छे मार्जिन से पंजाब के अंदर में उन्हें सीटें ला सके और उसमें से एक थे सुखेंद्र सिंह जी। जी धन्यवाद विभांशु तमाम जानकारियों के लिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।